हमने बिल पे कर दिया है कल के डिनर का, अब हम निकलने वाले हैं भाई। देखो हमारा बैग सब रेडी है, बाइक हयाबुसा हमारी ला रहे हैं और हम रिजॉर्ट छोड़ने वाले हैं। तो बस अब सीधा रास्ता दिल्ली का, दिल्ली से घर, घर से फिर अब अगले दिन से ऑफिस, घर घर ऑफिस, घर ऑफिस ऑफिस घर। एक सेकेंड रुको। तो हम भैया रुक चुके हैं पेट्रोल पंप, ऐसा पेट्रोल था लेकिन एक्चुअली हमारे हयाबुसा में चैन में हमें वो डालना है स्प्रे, ताकि एकदम स्मूथ चल सके अगले 200 किलोमीटर साए। तो हम पेट्रोल भी भरवा लेंगे थोड़ा बहुत जो खाली होगा, और उस पर अपना स्प्रे भी डाल देंगे। तो फिर उसके बाद भागेंगे गाड़ी एकदम भना भन भना भन। चलो पेट्रोल भरवा के देखते हैं क्या। चौधरी टूरिस्ट धावा भारत का सर्वोत्तम बस बुकिंग ऐप, अरे बस बुकिंग ऐप भी है, चौधरी टूरिस्ट धावा भी है। अपन की गड्डी रुक चुकी है 150 किलोमीटर से भी कम रह गया है। अरे श्री सत्य आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भी है भाई यहाँ तो। ओके भोजनालय चौधरी फैमिली टूरिस्ट शुद्ध धावा, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय। ओके तो अभी हम रुके हैं, चाय पीते हैं, फिर अपने 100-125 किलोमीटर की जो जर्नी बची है उसको कंप्लीट करेंगे। चलो भैया, चलो भैया 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 धूल दे। अरे ऐसा ही मेरे को रोज होता है वो, जब वहाँ जाता हूँ तो ऑफिस 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 है। और क्या लोगे, और कुछ खाओगे पियोगे तो देख, और कुछ खाओगे पियोगे, ये चिप्स रखे हुए साइड में दबे हुए। चलो ओके देखते हैं क्या खाना पीना है हमारे। हाँ पिछली बार जब गए तो भाई हरिद्वार ऋषिकेश मनाली अनारी उधरी साइड से गए थे, ये वाला रूट ही नहीं पड़ा था। और ये मेरठ जैसा ही चालू होता ना, ये हमने मेरठ में देखा है, ये जो अपना बना हुआ है लकड़ी के क्राफ्ट का सारा, ये ऑलमोस्ट मेरठ में अपना ब्रज घाट गढ़ मुक्तेश्वर गंगा घाट पर। आहा चेक पोस्ट आ गया भाई ब्रज घाट का। ओहो गणपति ढाबा में तो कुछ है नहीं, ढाबा में कुछ नहीं है, ढाबा में ये है जो रोड पे लगाए रखे हैं सारा। हाँ ये सारे बैठने वाले हैं अलग अलग, मतलब की शेप में है, गोल शेप में। हाँ ये सारा मेरठ में अपना ये सारा है, और ये देखो कहाँ तक अपना लगा हुआ है, देख रहे हो कहाँ से चला आ रहा है सब।
इधर दिल्ली ना पहुंच जाए ये लोग धीमे धीमे करके। अरे तेरी ये रोड बन रही है भाई, रोड चौड़ी हो रही है। वॉशरूम शिव टूरिस्ट ढाबा, अबे कैसा नाम दिए हमें, वॉशरूम शिव टूरिस्ट ढाबा, शिव टूरिस्ट ढाबा अच्छा है। और ये देख वॉशरूम शिव टूरिस्ट ढाबा, अबे वो लिखा है वॉशरूम से है, अबे नहीं WASHROOM वॉशरूम, स्पेलिंग याद कर ली थी भाई हमने। ये रोड चौड़ी गजब की चौड़ी हुई है भाई, आगे जाके रोड ये देख खतरनाक चौड़ी है, रोड बहुत चौड़ी है भाई, इतने में तो पूरा मेरठ बस जाएगा। ओ आगे टूल टैक्स, सबसे बड़ी फायदा भाई टू व्हीलर में चलने का, वन पर टूल टैक्स भी नहीं देना पड़ा ना मनाली में ना इधर, सॉरी नैनीताल में भी एंट्री करता था मैं ना एग्जिट करता था मैं, अगर फोर व्हीलर से जाता तो मजा भी नहीं आता और सब जगह टूल टैक्स भी देता। अपन लोगों की स्पेशल लाइन होगी कॉर्नर में, अब हट जाओ चाचा इधर से निकल जाने दो हमें आराम से, आराम से, आराम से, हमारी स्पेशल लाइन है। बहुत दूर तक अभी भी काम चल रहा है, मेरठ 47 हापुड़ 35 गढ़ मुक्तेश्वरी 4 किलोमीटर बुलंदशहर 54 सब कुछ पढ़ लो है, वापस चले बस हमारा सफर बचा है 50 किलोमीटर का। अबे हटा बे हयाबुसा, क्या है किया जाए। और सबसे बड़ी बात बताओ नैनीताल में एकदम रोज धूप निकल रही है, और वहां से जब से चले हैं भाई जिम कॉर्पोरेट से, वहां से देख रहे हैं रिजॉर्ट से यहाँ तक 50 किलोमीटर बचा है गाजियाबाद, लेकिन अभी तक धूप का नाम निशान नहीं है। अब 50 किलोमीटर पर दाब देंगे, अब लास्ट बार चाय पीते हैं और निकलते हैं, और बाबा ने आग लगा रखी है, ये बहुत अच्छा हुआ। देखो सबसे अच्छी बात है ये देखो ये पूरा आग का इंतजाम है, आराम से बैठ के एकदम चाय पियेंगे मस्त। और ये देखो हरियाली तो एकदम गजब की है भाई, मजा आ गया ऐसा टूर करने में, गजब इंक्यामान। सिर्फ शगुन की देरी है, शगुन दे देंगे हम लोग पहुंच जाएंगे। ओके तो चाय बना रहे हैं, ये देखिए चाय रेडी करने जा रहे हैं, तब तक हम लोग आया भूसा हमारी खड़ी हुई है, फिर मिलते हैं अभी चाय बन जाने दो, जब तक ये हम भी थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं, ये हमारी बालकनी है, अब हम बालकनी देख रहे हैं। हम एक्चुअली आए थे तो 20 किलोमीटर से बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई थी जैसा कि मैंने बताया, बट अभी बूंदाबांदी यहाँ नहीं हो रही है, सो एंजॉय द पार्टी, बाय बाय।